नमस्कार, अपन न्यूजमा स्वागत अछि। सुरुकरी हेडलाइन्स। फुटपाथ व्यापारी के पीटपाट केने धनसाक पर्यटक प्रहरी ऊपर आरोप। वीडियो सार्वजनिक भेला बाद युवा नेता सुशील कर्ण पर सेहो हाथपात। नागरिकता विधेयक से पहले राष्ट्रीय परिचय पत्र विधेयक पास कैल गेल पर मधेश केंद्रीय दल के आक्रोश। विभेदकारी नीति लेल गेल आरोप। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत मंत्रिपरिषद के बैसार में सहभागी भेल पर विपक्षी के आरोप। सरकार से बचाव। मीडिया काउंसिल विधेयक राष्ट्रीय सभा में पेश। सब किस्म के मीडिया का अनुगमन करवाक अधिकार काउंसिल के देल गेल सरकार के दावी। आ डेंगू के संक्रमण बढ़ल पर सरकार के चिंता। जनचेतना मूलक अभियान में एकजुट होब आग्रह। आप समाचार विस्तार से। सरलाही के बागमती नगरपालिका 4 ब्रह्मस्थान में बृहस्पति दिन ट्रैक्टर के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेलै छ। ना छौ त 8438 नंबर के ट्रैक्टर के ठक्कर से वही ठाम रहनिहार 9 वर्ष के युवराज पोजू के जान गेल। पुलिस जनौलकै छ ट्रैक्टर चालक फरार रहल छ। तनु के बंदीपुर में कार के ठक्कर से बृहस्पति दिन एक गोटे के मृत्यु भेलै छ। पोखरा से काठमांडू दिस जा रहल 2193 नंबर के कार के ठक्कर से बंदीपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 4 चुन पहरा के 18 वर्षक मनीषा परियार के मृत्यु भेल। पुलिस जनौलक। फुटपाथ में नारियल बेचत आयल एकटा किशोर ऊपर हाथपात के धनुषा प्रहरी ऊपर आरोप लागल। जानकी मंदिर के उत्तर दिस रहल जानकी चौक के फुटपाथ में नारियल बेचत आयल 16 वर्षक रोशन कुमार चौधरी के बृहस्पति दिन हाथपात के प्रहरी ऊपर आरोप लागल। जानकी मंदिर परिसर के पर्यटक प्रहरी जवान प्रेम शंकर यादव हाथपात के ने चौधरी आरोप लगौल। मारला कैला मारलो कम से कम। ओ प्रेम संगर। पुलिस के मांग अनुसार पाई नहीं दिला सा अपना ऊपर हाथपात के नशे हो चौधरी के आरोप चल। पुलिस है प्रेम शंकर आके कहलक कि 200 रुपया दे। प्रेम शंकर पुलिस है हमारा 200 रुपया मांगलक। हम नहीं देलिए तो हमारा ठेला धकेल के मारलक। दो तीन पटका मारलक। तब चमेटा से मारलक। एम्हर प्रहरी चौधरी के मारि रहल अवस्था के वीडियो युवा नेता सुशील कर्ण सामाजिक संजाल में सार्वजनिक कर देला के बाद हुनका ऊपर सेहो हाथपात भेलै छ। युवा नेता कर्ण जानकी मंदिर स्थित पर्यटन प्रहरी के प्रमुख वीरेंद्र यादव के संलग्नता में प्रहरी सब व्यापारी संग पाई असूलैत आयल समेत आरोप लगौलने। नारियल दुकान करित काल में 16 वर्ष के बच्चा के अभी बच्चा के की कलक दुकान में बंद करके पुलिस पीटी छे। पीटित काल में हम पहुँचल वीडियो लेलिए। वीडियो लेला के बाद की कलक पुलिस भगल तो वीडियो हम धो दिली फेसबुक पर। उ धैला के कारण से लड़का के पकड़ के पुलिस लगे लेला के बाद में हम सब बुझे अली ओहिठाम बुझाबे के क्रम में हम पकड़ के पीटल के वीरेंद्र यादव जो टूरिस्ट पुलिस के प्रमुख है ओकर माथत के रहल जते सिपाही छै। जानकी मंदिर के दुकानदार सब से पैसा उठबिए डेली के 100-200 रुपया के दर से। आ ओहि में वीरेंद्र यादव के सहभागिता रहै छै। ओ वीडियो तू कैला धैले से कहि कर तै न्यू में हमरा पिटल के। ओहि से पहिने एकटा रामजी खर्ण के जानकी मंदिर में उहे टूरिस्ट पुलिस पिटने रहे बाबा जी के। घटना लगले स्थानीय युवा सब जानकी मंदिर क्षेत्र में चक्का जाम तथा टायर बायर का विरोध प्रदर्शन केने छल। ओ सब ओहि घटना में संलग्न प्रहरी सब के कार्यवाही करब मांग केलकै छै।
धनसा में मोबाइल हरौनाई तथा चोरी भेनाई के क्रम बढ़त गए। आर्थिक वर्ष 2075-76 में धनसा में मोबाइल हराएल तथा चोरी भेल 814 निवेदन दर्ता भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनसा जनौलक अछि जाहिमे से 90 मोबाइल मात्र भेटल अछि। तहिना 2076 साल के बैसाख से भादो 11 गते धरि में 111 मोबाइल हराएल तथा चोरी भेल बताओल गेल अछि। जाहिमे से मात्र 4 भेटल पुलिस जनौलक अछि। एहिसँ पहिने आर्थिक वर्ष 2074-75 में 707 निवेदन पड़ल छल जाहिमे से 25 मोबाइल मात्र भेटल छल। मोबाइल हराएल संख्या बढ़लों पर न्यून संख्या में मात्र भेटत अछि। ए विषय में धनसा प्रहरी प्रमुख शेखर खनाल प्रयोगकर्ता से मोबाइल के पर्याप्त विवरण उपलब्ध होब नहीं सकना के संगे कानूनी प्रक्रिया से पूरा कर अनुसंधान कर पड़ला से हो समस्या भेल बतौलन। प्रत्येक व्यक्ति को लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हाथ हाथ में मोबाइल होला तर त्यो मोबाइल आफ्नो अलिकति के सावधानी र सचेतता अपनाएमा त्यो हराउँदैन आफ्नोबाट छुट्दैन तर अलिकति अलिकति असावधान भयो अथवा अलिकति लापरवाही भयो भनेदेखि चाहिँ मोबाइल चोरी होने अथवा हराने समस्या दिनानुदिन बढेको छ। यस कार्यालयमा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पनि हाम्रो सूचना संकलन शाखा छ। त्यो शाखामा आएर कसैले कसैको मोबाइल हरायो अथवा चोरी भयो भनेदेखि त्यो सम्पूर्ण आवश्यक डिटेलहरु राखेर त्यो निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यसरी निवेदन दिदाखेरि हामीले त्यो भेटेर पत्ता लगाएर बुझाइदिएको अथवा त्यो चोरीमा संलग्न भएका त्यो गिरोहरूलाई त्यो चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याएको उदाहरण पनि छ। एसपी खनाल मोबाइल खरिद खरिदकाल एकर IMEI नम्बर लेख कर राख से हो प्रयोगकर्ता के सुझाव दिलन चाहिँ चोरी हुन IMEI नम्बर जानकारी में रहल अवस्था में मोबाइल में मोबाइल भेट सहज हेबाक हो उदाहरण रखने नै छ। आउनु पर्छ अलिकति हेलचेक्राई गर्नु हुँदैन आफै सावधान हुनुपर्छ सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ र केही गरी हराइहाल्यो अथवा चोरी भइहाल्यो भनेदेखि त्यसबाट पत्ता लगाउनको लागि जोगिनको लागि चाहिँ मोबाइल यहाँले किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो मोबाइल किन्ने बित्तिकै त्यसको बक्स प्याकमा त्यसको IMEI नम्बर भन्ने हुन्छ। प्रत्येक मोबाइल सेटको छुट्टा छुट्टै डिस्टिङ छुट्टै एउटा IMEI नम्बर हुन्छ। त्यो IMEI नम्बरको आधारमा हामीले त्यो मोबाइल पहिचान गर्न र त्यो मोबाइल पत्ता लगाउन हामीलाई सहज हुन्छ। त्यस कारण त्यो IMEI नम्बर चाहिँ यहाँले सुरुमै किन्ने बित्तिकै त्यो टिपिहाल्नु होला। त्यो IMEI नम्बर त तपाईँको त्यो बट्टामा पनि हुन्छ त्यो किनेको त्यो बक्समा पनि हुन्छ अथवा त्यो भएन भनेदेखि मोबाइलको भित्री त्यो ब्याट्री जुन ठाउँमा निका ब्याट्री झिकिसकेपछि त्यो भित्र पनि त्यसको प्रिन्ट हुन्छ प्रिन्ट गरिएको हुन्छ। एसपी खनाल काठमाडौँ जका प्रविधि पहुँच धनसामे नै भेला छ मोबाइल खोज समस्या भेल बतौलन। दुर्घटना बढ़त गेला के बाद धनसा ट्रैफिक प्रहरी आकस्मिक जांच के और तीव्रता देलक अछि। धनसा ट्रैफिक गति नियंत्रण के संगे प्रेशर हॉर्न निकालबाक सहित काज के तीव्रता देलक अछि। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में ट्रैफिक प्रहरी धनसाक प्रमुख परशुराम घिमिरे टिपर के लेल लागू कयल गेल टाइम कार्ड लागू भेल कि नहीं भेल विषय में राजमार्ग में जाँच बढ़ौने बतौलने ओ ढलकेवर आ मजलिया में टिपर सब टाइम कार्ड एंट्री अनिवार्य रूप से करबैत आयल सेहो दावी कयलने। मजेलियामा चाहिँ यो टाइम कार्डलाई इन्ट्री गर्ने गरेका छौँ। यो टाइम कार्डलाई अब अहिलेको टिपर पनि कम भएको कारणले गर्दा मलाई त्यस्तो फिलिङ भएको हुनसक्छ तर टाइम कार्ड कम्पलसरी सबैलाई युज के अरे यो मेन्टेन गर अथवा फलोअप गर भनेर मिनटको हिसाबले भारी लोड गाडीलाई चाहिँ 1 किलोमिटर बराबर 3.75 र लोड गाडीलाई 1 किलोमिटर बराबर 2.50 भने मतलब 1.5 घन्टा 24 किलोमिटर पार्नलाई 1 घन्टा खालीलाई लोडलाई चाहिँ 1.5 घन्टा 90 मिनट यसरी फिक्स गरेछौँ। जबकि ढल्केमा आएको गाडी लोड गाडी छ त्यो जनकपुर आउँदैछ भने उसले 1.5 घन्टाको टाइममा यहाँ आइपुग्नु पऱ्यो मुजेलिया भनेपछि मुजेलियाबाट खाली जाँदैछ भने 1 घन्टाको टाइममा ढल्के पुग्नु पऱ्यो यसरी फिक्स गरेको छ। जनक चोकमा चाहिँ वान वे ब्रेक भएको भनेर हामीले कसले ब्रेक गरे लोड क्यालकेल टिपरके लेल ढल्के वर्ष मुजेलिया धेरके 24 किलोमिटरके दूरी तय गर 1 घन्टा 30 मिनटके समय थोकल गेल अछि। तेना खाली टिपरके लेल 1 घन्टाके समय निर्धारण कयल गेल अछि। तेना लोड टिपरके महेन्द्रनगर मुजेलियासँ 17 किलोमिटर दूरी तय कर 50 मिनट आ खाली टिपरके लेल 40 मिनट निर्धारण कयल गेल अछि। प्रहरी निरीक्षक घिमिरे जनघनत्व बेसी रहल स्थानमे प्रेशर हॉर्न नहि बजाब आग्रह करैत आयल आ नहि मानल अवस्थामे हॉर्न निकाल लगाउने दावी कयलनि अछि। गृह सचिव प्रेम कुमार राय बाढ़ भूस्खलन आ डुबानके दीर्घकालीन व्यवस्थापनके लेल तीन तहके सरकार बीच समन्वय हेबाक
ठोस रणनीति बनाल जवाक बतौलने राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के बृहस्पति दिन के विचार में हो स्पष्ट रणनीति बनाल जवाक आवश्यकता रहा बतौलन। तराई के कतेको स्थान में सीमा सुरक्षा रोड के भारत देश के गेट नहीं खुला तथा बागमती आ लाल बकैया नदी के तटबंध कमजोर भेला के कारण रौधट में डुबान भेल कहितो आंतरिक आ सीमा क्षेत्र के समस्या संबोधन के लिए स्पष्ट रणनीति बनाल जवाक में जोर दिलन। निकरण तथा व्यवस्थापनको कान अत्यन्तिक पलहरू पनि भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि केही डुबान भएको तर अघि यहाँ माननीयले उठाउनुभयो आफैले त्यो कुरो ठिक हो। हामीले तटबन्ध निर्माण गर्दाखेरि जुन चाहिँ लाल बैकान बकैया नदी र बागमतीको जुन तटबन्ध छ त्यो तटबन्ध हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ मजबुत तटबन्ध बनाउन सकेनौँ र बागमती र चाहिँ लाल बकैयाको पानी कुलो फो त्यो भत्किएर चाहिँ हामीतिर आएको गोरतिर उसले पनि भनेको कुरो त्यसमा सही एउटा चाहिँ छ। किनभने लाल बकाएको तटबन्ध दह्रो बनाएको यदि बागमतीको तटबन्ध दह्रो बनाएको भए त्यो चाहिँ तोडेर जाने नदी छिर्दैन थियो। त्यो छिरिसकेपछि गोरमा चाहिँ डुबान जाने भएको अवस्था देखिन्छ एउटा। त्यसैले हाम्रो पनि कमजोरी हो त्यो ओ बाहिर भूस्खलन डुबानसँग भेल क्षतिको सब तथ्याङ्क लैके बाद सरकार निर्णय गर्बाक जानकारी देलन। ओ विपद व्यवस्थापन नियमावली अनुसार संघीय सरकार मृतक परिवारके जनही 1,00,000 रुपैयाँ उपलब्ध गरेबाक काज केनाइके सँगै प्रदेश सरकार तहस देबाक राहत वितरणमे एकरूपता आनल जेबाक लेल मापदण्ड बनाल जेबाक बतौलने छ। समिति सदस्य सब बाढ़ भूस्खलन आ डुबान के समस्या संबोधन करबाक सरकार के पुरान तौर तरीका के परिवर्तन कैल जेबाक चाहिए। सीमा में देखल गेल समस्या आ आंतरिक समस्या के अध्ययन कर दीर्घकालीन समाधान के लिए योजना बनाल जेबाक चाहिए तथा तीन तह के सरकार बीच देखल गेल समन्वय के अभाव के संबोधन कैल जेबाक चाहिए धारणा रखने छलन। राज्य नेपाल सरकार ने के करने यो डुबानको समस्या तराईमा सिर्जना गर्ने वा पहाडतिर अघि मान्ने सदस्यले अड्याउनु भएको जस्तै पर्यावरणको कुनै अध्ययन नगरी जथाभावी किसिमले डोजर चलाउने लगायतका अरू भौतिक निर्माणका गतिविधि गर्ने कुरा छ। त्यस्तै गरेर चुरेमा हुने गतिविधि र त्यसले पार्ने प्रभाव र त्यसको साथसाथै सिमानामा हाम्रो छिमेकी देश भारतले निर्माण गरेका संरचनाहरूको बारेमा ठोस अध्ययन गरेर कि हाम्रा जो बोर्डर हो ती बोर्डर क्षेत्रमा छिमेकी राष्ट्रका मानव निर्मित पूर्वाधारले हाम्रो क्षेत्र डुबान हुने भइराखेको छ। हामी संसारै नभएको खुला सीमामा छौँ होइन। यो खुला सीमालाई पनि हामीले एउटा ढङ्गले नियन्त्रण गर्नुपर्ने होला। त्यसो गर्दाखेरि बल्ल हाम्रा 10 गजाहरू सुरक्षित हुने अनि हाम्रो भूगोल अतिक्रमण नहुने कुरा हुन्थ्यो होला। बडो आश्चर्य लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ र खेद पनि व्यक्त गर्न मन लाग्छ कि हाम्रो सीमा अतिक्रमण र सीमाका संरचनाहरू कोही छिमेकी देशका किसानले 2-4 मुरी अन्न फलाउँला, 2-4 क्विन्टल अलिक बढी उत्पादन गराउँला भनेर अलिकति साँध मित्ने जो एउटा किसान मानसिकता हुन्छ त्यसको कारणले भइराखेको छैन। 5 किलोमिटरभन्दा नजिकको मतलब चौकी बनाएर बस्ने सशस्त्र फोर्सले जानी जानी दिनमा केही मिटर रातमा केही मिटर रूपले यो राष्ट्र सञ्चालन गर्ने हो भने अब नीति र विधिमा स्वाभाविक रूपले छलफल गरेनौँ भने त्यसमा टेकेर गएनौँ भने जटिलता आउँछ। समिति बाहिर पीडितके अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धमा गृहमन्त्री गृह सचिवसँग परामर्श कलकै छ। प्रतिनिधि सभा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक करसँ पहिने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक पारित केने कहित मधेस केन्द्रीय दलके सांसद लोकनि आपत्ति जनौलकै छ। नागरिकके नागरिकता नै देल गेल अवस्थामे राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणके कार्यान्वयनमे आनिकऽ विभेद कयल गेल सेहो ओ सब आरोप लगौलकै छ। रिपोर्ट। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित करब विलम्ब केने कहित प्रतिनिधि सभा में रहल मधेश के निदलक सांसद सब आक्रोश व्यक्त केने छे। सरकार 2074 साल साउन 22 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन करब बनल विधेयक दर्ता करौने छल। विधेयक दर्ता करौला 1 वर्ष बितलो पर पारित नहीं केने कहित सांसद सब आक्रोशित बनल छे।
एक दिस अनागरिकक जीवन बिताब रहल सब ऐनक अभाव में नागरिकता पाव नै सकल छै त दोसर दिस सरकार राष्ट्रीय परिचय पत्र के वैधानिकता देव राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विधेयक पारित कयने छै। नागरिकता नै पौने व्यक्ति सब के और समस्या में पारा आ राष्ट्रीय परिचय पत्र समेत पाव से वंचित कर राष्ट्रीय परिचय पत्र संबंधी विधेयक पहिने पारित कयने सांसद सभक ठहर छै। राजापा के सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण नागरिकता विधेयक कतः हरा गेल कहकर प्रश्न कयलनि अछि। ओ नागरिकता विधेयक नै अयला से 5,00,000 नेपाली नागरिक और नागरिकक जीवन बिताब रहल सेहो दावी कयलनि अछि। ए संसद में नागरिकता विधेयक आए को थियो तो विधेयक कहाँ हरायो तो मैं खोजना लाग्या हूँ। यो संसद में आए को संपत्ति सभा मुखलाई पनि था होला त्यसलाई इमिडिएट चाँडै बन्दा चाँडै यहाँ लाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। नागरिकता विहीन व्यक्तिहरुको दशा के हुन्छ भन्ने मैले भन्नु पर्छ। आज 5,00,000 भन्दा बढी युवाहरुले नागरिकता विहीन भएर रोजगार पाएका छैनन्, उच्च शिक्षा पाएका छैनन्, सिंह दरबार भित्र प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा समितिले जसलाई थन्काएर राखेको छ चाँडै यो संसदमा लाउनु पर्यो भनेर मैले सम्बन्धित समिति र मन्त्रीलाई सभामुख मार्फत अनुरोध गर्छु। तहिना समाजवादी पार्टी के सांसद सरिता गिरी नागरिकता ऐन नै ऐनका राष्ट्रीय परिचय पत्र विधेयक ऐनका सरकार नागरिकक अपमान कयने टिप्पणी कयलनि अछि। नागरिकता बनाउन नै सकल नागरिक राष्ट्रीय परिचय पत्र उपर के पहुँच बनाबन नै सकबा कहैत ऐसा नागरिक के और विभेद कयने हुनक तर्क अछि। अब अर्को जुन दफा 27 मा जुन भन्या छ यसलाई राष्ट्रीय परिचय पत्रलाई चाहिँ सेवाहरूसँग पनि जोडिएको छ। यसको मतलब राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउने को सेवामा राज्यले प्रदान गर्ने सेवामा कतिको पहुँच हुन्छ र जोसँग छैन उसको कतिको पहुँच हुन्छ। जीवन बाँच्नका लागि जुन सेवाहरू चाहियो त्यो सेवामा पहुँचमा पनि नागरिकता भए वा नभएको कारणले चाहिँ त्यहाँ विभाजन हुन गइराखेको छ। तहिना समाजवादी पार्टी के दोसर सांसद उमा शङ्कर अड़गड़िया सेहो नागरिकता विधेयक संसदीय समिति में रहल एक बरस भेलो पर अंतिम रूप नै दक राष्ट्रीय परिचय पत्र विधेयक पारित कयल गेल कहैत आपत्ति जनौलनि अछि। सामान्य सभामुख महोदय, नागरिकता विधेयक साल भर पहले सदन में आबि चुकल छै लेकिन जनसंख्या जनगणना के अनुसार 6,50,000 युवा नागरिकता के लेल प्रति साल तैयार हुई छी वर्ष 6,50,000 युवा, लेकिन गृह मंत्रालय के तथ्यांक की बता रहल छै 3-3.5 लाख युवा मात्र नागरिकता ल रहल छै। एकर मतलब 13 वर्ष में 40-45 लाख युवा नागरिकता से वंचित भेल छै। उ पासपोर्ट नहीं बना सकै छै, उनको नौकरी रोजगारी में कतौ वैकेंसी भर नहीं पैते, उ वैदेशिक रोजगारी में भी नहीं जा सकते, बड़ व्यापार नहीं कर सकते, तो उ की बनते, क्रिमिनल बनते कि नहीं बनते, अपना देश के शांति के रास्ता से भटकावा वाला काम हम सब विधेयक रोक के कर रहल छी। जवाब में गृह मंत्री राम बहादुर थापा किस विषय में सहमति नहीं जुटला से नागरिकता विधेयक रोकल गेल कहैत आब राजनीतिक सहमति क के आगा बढ़वाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। यो विधेयक बनाएर चाहिँ ती परिचय पत्रहरू चाहिँ वितरण गर्दाखेरि उपयुक्त हुने हो र सरकारको योजना चाहिँ हामीले यो विधेयक पारित चाहिँ हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने नै सरकारको योजना थियो। तर यो विधेयक पारित हुन धेरै समय लाग्यो, अहिले पनि नागरिकताको विधेयक चाहिँ समितिमा नै अड्किरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त्यो ढङ्गको अन्तर्विरोध पैदा भएको हो। कत्ता गेल नागरिकता विधेयक? नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन कर बनल विधेयक अखन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में विचाराधीन अवस्था में छे। प्रतिनिधि सभा में सहमति जुट नहीं सकला बाद ऐ विधेयक के समिति में भेजल गेल छल, मुदा समिति में सेहो दल सब अपन अपन अड़ान कायम रखला बाद नागरिकता संबंधी विधेयक अनिश्चित बनल छे। ओना तो विवाद मिलेबाक लेल चैत 7 गते सांसद डॉक्टर विजय सुब्बा के संयोजकत्व में 9 सदस्य उप समिति बनाओल गेल छल, मुदा उप समिति सेहो मूल विवादित विषय मिलाव नहीं सकल छे। समिति
मुख्य विवादित अंगीकृत नागरिकता संबंधी विषय में दल सब बीच परामर्श कह सहमति जुटा कर प्रतिवेदन पेश कर कहने छल। मुदा उप समिति मुख्य विषय के सहमति जुटन नहीं सकल कहत प्रतिवेदन बुझने छे। विशेष कह कर गैर आवासीय नेपाली के नागरिकता देवाक 2072 आसिन 300 पहिने जन्म भेल सबके जन्म सिद्ध नागरिकता देवाक नेपाली पुरुष संग विवाह करवला विदेशी महिला के वंशजक नागरिकता देवाक जेहन विषय विधेयक में बेसी विवादित अछि, तहिना नेपाली महिला संग विवाह कऽ कऽ आबय वाला पुरुष के केहन नागरिकता देवाक विषय सेहो विवादित अछि। विवादित विषय संशोधन करय में लगभग सहमति जुटल पर अंगीकृत नागरिकता के विषय में बात मिल नहीं सकल छे। विधेयक जल्दी पारित नहीं भेला सँ जन्मक आधार में नागरिकता पौने व्यक्ति के संतान नागरिकता पाव नहीं सकल छे। जन्म सिद्धक संतान के वंशजक नागरिकता देवाक व्यवस्था संविधान कयने छे, मुदा सर्वोच्च अदालत के आदेश आ कानून नहीं बनला सँ ओ सब नागरिकता पाव नहीं सकल छे। नेपालक संविधान 2072 कोनो नागरिक के नागरिकता सँ वंचित नहीं कयल जेबाक कहने छे, मुदा राज्य अखनो कोनो ने कोनो बहाना बना कर मधेसी के नागरिकता सँ वंचित करैत आबि रहल छे। ओना तँ गृह मंत्रालय नागरिकता देव जिला प्रशासन कार्यालय सबके परिपत्र कयने छल, मुदा पूर्ण इजलास सँ ई विषय में फैसला कयल जेबा कहत सर्वोच्च अदालत 24 बैसाख सँ परिपत्र कार्यान्वयन में रोक लगौने छल, जाहि सँ लाखों युवा उच्च शिक्षा विदेश में पढ़वाक लेल स्वदेश आ विदेश में रोजगारी करबाक लेल जमीन खरीदवाक लेल बैंक में खाता खोलवाक लेल व्यापार करबाक लेल चालक अनुमति लेबाक लेल सहितक सरकारी काज आ सुविधा सँ वंचित भेल अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम, विश्रामक बाद प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत मंत्रिपरिषद बैसार में सहभागी भेल पर विपक्षी के आक्रोश सरकार से बचाओ। मीडिया काउंसिल विधेयक राष्ट्रीय सभा में पेश, सब किस्म के मीडिया का अनुगमन करबाक अधिकार काउंसिल के दिल गेल सरकार के दावी। डेंगू के संक्रमण बढ़ल पर सरकार के चिंता, जनचेतना मूलक अभियान में एकजुट होबा आग्रह। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। बाकी समाचार, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सिंगापुर में इलाजरत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग वीडियो कॉन्फ्रेंस मात्र कैल गेल, मुदा कैबिनेट विचार नहीं बैसल स्पष्ट कलने। प्रतिनिधि सभाक बृहस्पति दिन के विचार में सार्वजनिक महत्व के विषय में समय लक मंत्री बास्कोटा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य सब संगे कहने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हाई हेलो मात्र कहने, मुदा मंत्रिपरिषद के विचार नहीं बैसल स्पष्ट कलने। हामी अरु कुराहरुमा पनि हामीले यसलाई पहिलो प्रयास हो, अभ्यास हो, हामी टेक्नोलोजीमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाणित भयो भनेका छौँ। अब यति कुरालाई लिएर अब सार्वभौम सत्तामाथि चाहिँ सङ्कट पर्दैन, यसका फेरि विभिन्न माध्यमहरू छन्, सबैलाई थाहा छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद लोकनि हेलो हाई कहले मात्रै कार्य सम्पादन नियमावली किया संशोधन कयल गेल कहित प्रश्न कयने छल। जवाबमे मन्त्री बास्कोटा भविष्यमे कयल जयबाक कहित कार्य सम्पादन नियमावली संशोधन कयल गेलासँ आवश्यक पर्लापर वीडियो कन्फ्रेंस मार्फत कैबिनेट सेहो बैस सकबाक बतौलनि। फ्रेन्ड्स र कैबिनेट बैठक मिटिङको बीचको भिन्नता त स्वाभाविक हुन्थ्यो होला, त्यसैले हामीले एउटा प्रबन्धसम्म गर्यौँ यो भोलिको निम्ति। मान्छेहरूले सोच्छन् हामी सेटेलाइटमा गयौँ भने हाम्रो मन्त्रिपरिषद कार्य सम्पादन नियमावली संशोधन क सिङ्गापुरमै रहल प्रधानमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्ससँग मन्त्रिपरिषदको विस्तार बैसक विषयके सत्तारूढ दलक नेतासब सेहो विरोध गरेर आबि रहल छ। राष्ट्रिय सभाक सदस्य सब समसामयिक आ क्षेत्रगत विषयमे सरकारके ध्यान आकर्षण करौलक अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रिय सभाक बैसारके विशेष समयमे सदस्य राधेश्याम अधिकारी वीडियो कन्फ्रेंससँ मन्त्रिपरिषद बैसार कयल गेलासँ गोपनीयताक सम्बन्धमे बड़का त्रुटि भेल कहित एहन गलती नहि दोहराबऽ सरकारके ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। कार्यवाहकके जिम्मेवारी द चुकलो पर प्रधानमन्त्री अपने सिङ्गापुरसँ मन्त्रिपरिषदके बैसार सञ्चालन कयलासँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहल अछि कि नहि रहल अछि सेहो प्रश्न उठैत अछि। ओ सरकारसँ त्रुटिपूर्ण काज भेल धारण रखलनि। जानु अघि उप प्रधानमन्त्रीलाई कार्यवाहक दिएर जानुभएको हो, कार्यवाहक दिएर गएको सूचना यसै सदनमा राष्ट्रपतिको सन्देश मार्फत हाम्रो जानकारीमा पनि आएको हो। एकपटक प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री छँदै सांसद वृक्ष चन्द्रलाल भूमि सुधार मन्त्री भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा संविधानमा कयल गेल व्यवस्थासँग अलग रूपमा अपन अभिव्यक्ति दिन कहित एहि विषयके आओर स्पष्ट गरेर विभागीय मन्त्रीके ध्यान आकर्षण करौलनि। बैसारमे राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिक सभापति दिल कुमारी रावल थापा पार्वती समितिक वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयने छलथि।
सरकार नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक 2075 के संघीय संसदक राष्ट्रीय सभा में पेश कलक राष्ट्रीय सभा बृहस्पति दिन के विचार बैसल बैसार में सरकार के दिश से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा विधेयक पेश कलन विधेयक पेश करते मंत्री बास्कोटा सब किस्म के मीडिया के अनुगमन करवाक अधिकार मीडिया काउंसिल के दैत विधेयक आनल गेल धारणा रखने वो विधेयक में देखल दंड जुर्माना के विषय के अदालती विषय बनेबाक विषय में सोच सकबाक आ किछ नहीं मिलल बात सब परामर्श के क्रम में मिलाव सकबाक बहुत होने सुनाए 2048 को ले चाहिँ साधारणतया अहिले मीडिया को बहुआयामिक विकास लाई र त्यसको माध्यमलाई समेट्न अलिकति परिभाषाले वा नियमहरूले ऐसा पहिने विरोध के सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत करते सांसद राधेश्याम अधिकारी विधेयक में मीडिया काउंसिल के स्वतंत्र स्वायत्त आ नियमनकारी निकाय के रूप में स्वीकार कर नहीं सकनाई आपत्तिजनक रहल बदलन वो मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति के मापदंड नहीं मिलल पदाधिकारी के हटेबाक विधि से आपत्तिजनक रहल कहित प्रेस काउंसिल के स्वायत्तता में कोनो समस्या अयबाक प्रावधान स्वीकार नहीं कर सकबाक बतौलन स्वतंत्र स्वायत्त नियामक निकाय भन्नु र यो स्वतंत्र मर्यादित उत्तरदायी पत्रकारिता चाहिँ गराउनको निम्ति विधेयक आएको भन्नुमा आकाश चाहिँ फरक हुन्छ र त्यसको मर्म मन्त्रीजीले बुझ्नुभयो नि भए देखिन्छ सांसद अधिकारी जुर्माना शुल्क आ काउंसिल के सरकार निर्देशन देबाक बात के स्वीकार कर नहीं सकबाक कहित विधेयक फिर्ता लेल जेबाक चाहे बतौने छलथि राष्ट्रीय सभाक अगिलका विचार शुक्र दिन भिनसर 11 बजे लेल बजाओल गेल अछि नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि सरकार के पछिल्का तौर तरिकासँ देशक समग्र राज्य सञ्चालन व्यवस्था उपरे खतरा भरल बतौलने छ राजधानीमे बृहस्पति दिन भेल युवा आ राजनीति विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममे सम्बोधन करैत कार्यपालिका प्रमुख विदेश गेल समय भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदके विचार बैस सकबाक उद्देश्यक सङ्ग कानूनी संशोधन केनाइके पूरे व्यवस्था उप प्रहार केने बतौलनि ओ अधिनायकवादी प्रवृत्ति से कानूने परिवर्तन कक मंत्री परिषद विचार संचालन कर नहीं मिलवा कहित तत्काल कार्यविधि सुधार कर सरकार के चेतावनी दिलन बिरानी पढ़ो भन्ने बित्तिकै देश को कानून लाई अवैधानिक तरीका ले देश विरोधी मानसिकता बाट लोकतंत्र विरोधी मानसिकता बाट अधिनायकवादी प्रवृत्ति बाट कानून परिवर्तन गरेर मन्त्रीपरिषदको बैठक सञ्चालन गर्न पाइदैन निर्णय गर्न पाइदैन यो सबभन्दा आज खतरनाक उपसभापति निधि सरकार नयाँ विधेयक सबमे सेहो सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीके निहित हेबाक उद्देश्यसँ व्यवस्था कयल गेल आरोप लगौलनि अपन न्यूजमे फेरसँ किछु देर व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद डेंगूके संक्रमण बढ़ल पर सरकारके चिन्ता जनचेतनामूलक अभियानमे एकजुट होबा आग्रह आते रहम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग के लिए नेपाली प्रारंभिक क्रिकेट टोली के घोषणा टोली में 35 सदस्य पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आपने बाकी समाचार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय गांव पालिका सब में शिक्षक सबक थाई दरबंदी पुनर्वितरण कार्य शुरू कर लागल राजधानी काठमाडौँ में बृहस्पति दिन भेल कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल शिक्षक सबक दरबंदी पुनर्वितरण करबाक कार्यदल बनौने प्रतिवेदन मंत्री परिषद विचार से पारित भक आबि चुकला से आब दरबंदी वितरण के काज शुरू करबाक बतौलन दरबंदी पुनर्वितरण संबंध में मंत्रालय शिक्षाविद महाश्रम शर्मा के संयोजकत्व में कार्यदल गठन कयने छल ओहि कार्यदल के प्रतिवेदन मंत्री परिषद पास कयने मंत्री पोखरेल जानकारी दलन अलिकति समय लागेको हामीले काम गर्ने क्रममा तपाईँहरू सबैलाई यति भन्न चाहन्छु जे नीति ल्याइन्छ त्यो सहमतिबाट सबैको एउटा साझा पहल प्रयत्नबाट ल्याइनेछ त्यो अन्तिम चरणमा छ त्यो नीतिको आधारमा शिक्षक सेवा आयोगका नियमावली सेहो मन्त्री परिषद विस्तारद्वारा संशोधन भ चुकल जानकारी दिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय डेङ्गु विरुद्धके जनचेतनामूलक अभियानमे एकजुट होब सबके आह्वान कयने छ बृहस्पति मन्त्रालयमे भेल डेङ्गु रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी अन्तर्क्रियामे उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव डेङ्गु रोग नियन्त्रण करबाक लेल सबके अपन अपन क्षेत्रसँग सहयोग गर आह्वान कयने छ पछिल्का समय डेङ्गुके संक्रमण नियन्त्रणसँ सेहो विस्तार हेबाक क्रममे रहल आ सरकार असगरेके प्रयासमे मात्र नियन्त्रण कर नहि सकबाक हेतु जनचेतना अभिवृद्धिके सङ्गे आवश्यक सतर्कता अपनाबके सवालमे सबसँ भूमिका निर्वाह कयल जेबाक चाहिमे जोर देलनि
यसलाई नियन्त्रण गरौँ, यही आजको यो डेङ्गु हाम्रो मुलुकमा आएको छ, सबै मिलेर यसलाई परास्त गरौँ, जो जान्छौँ त्यहीँबाट यसलाई समाप्त पार्ने अभियानमा लागौँ, यसलाई समाप्त पार्ने। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डाक्टर पुष्पा चौधरी दसैँकै समयमा राजधानीमा डेङ्गुके संक्रमण आरो फैल सकबाक अवस्थाके मध्यनजर गरेर आवश्यक सतर्कता अपनेबाक दिस तयारी भ रहल बतौलने छ। देशक 42 जिल्लामा देखल गेल डेङ्गुके संक्रमणसँग एखन धरि 1537 गोटे बिमार परल मन्त्रालय जनौलकै छ। पछिल्का समय विश्वके आधासँग बेसी जनसङ्ख्या डेङ्गु रोगके जोखिममा रहल मन्त्रालय जनौलकै छ। तहिना प्रत्येक वर्ष 39 करोड व्यक्तिमा डेङ्गु रोगके संक्रमण भेलाएके सँगै 20,000 बेसी व्यक्तिके मृत्यु भ रहल छ। जलवायु परिवर्तनके कारण विश्वभर मानवीय स्वास्थ्य क्षेत्रमे चुनौती बढ़ित गेल छ। जलवायु परिवर्तनके कारण बीतल 19 वर्षमे विश्वभर विभिन्न 21 नया रोग सब देखल गेल छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बृहस्पति दिन राजधानीमे केने स्वास्थ्य प्रणालीमे सुधार विषयक अन्तर्क्रियामे स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ जलवायु परिवर्तनके कारण नया रोग सबक प्रकोप बढ़ित गेल बतौलनि। ओ सन् 2000 एम्हर 21 नया रोग सब देखल गेल बतौलनि। समिति देशमे देखल गेल डेंगु 8-10 वर्ष भीतर विश्व के 25-30 देश में पहुंचल बतौलने। 19 वर्ष में 21 भन्दा बड़ी नया रोग इंटायरली न्यू डिजीज हो रहा है। अर्को रिइमर्ज भन्छ के जस्तो डेंगी चाहिँ 200 वर्ष को इतिहास है इसको, त्यो भन्दा अगाडि पनि थियो होला तर चाहिँ नि। ओ सन् 2004 में नेपाल के चितवन में देखल गेल डेंगू के समस्या अखन 6 प्रदेश के 42 जिल्ला में पहुंचल तथा कालाजार आ मलेरिया समस्या सेहो फेर से देखल गेल कहित समय में ध्यान देनाय आवश्यक रहल बतौलनि। महाशाखा मन्त्रालय जलवायु परिवर्तनसँग उत्पन्न स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन आ भविष्यमे अपनाओल जायवला रणनीति लगायतके विषयमे सरकारवाला पक्षसँगै परामर्श कैलकै छ। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक विद्यालय भारतक लखनऊमे होबय लागल रिफ्लेक्शन इन्टरनेशनल फेस्टिवल फॉर हिस्ट्री एन्ड सिविक्समे सहभागी होबय लागल छ। विश्व शान्ति कायममे सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्यसँग होबय लागल महोत्सवमे मोनास्टिक स्कूलके 9 छात्र छात्रा आ 2 शिक्षक सहभागी होबय लागल छ। हुनका सबके बृहस्पति दिन विद्यालयके प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर सोनु शाह विदाई कयलनि छ। महोत्सवमे सहभागी होबयवला विद्यार्थी सबसँ एक दोसर देशके इतिहास भूगोल लगायतके विविध विषयमे परामर्श कयल जायत। ई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरके महोत्सवमे 12 देशके करिब 50 विद्यालयके छात्र छात्रा सबके सहभागी हेबाक बताओल गेल छ। लखनऊ स्थित सिटी मोन्टेसरी स्कूल हरेक दू वर्षमे ई अन्तर्राष्ट्रिय समारोहके आयोजना करैत आबि रहल छ। आब स्पोर्ट्स न्यूज। अगिलका डिसेम्बर 1-10 तारिख धरि नेपालमे आयोजना होबय लागल 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद साकके लेल नेपाली प्रारम्भिक क्रिकेट टोलीके घोषणा कयल गेल छ। नेपाली टोलीके प्रशिक्षक उमेश पटवाल आ कप्तान पारस खड्का बृहस्पति दिन 35 सदस्यीय खेलाड़ी टोलीके घोषणा कयलनि छ। नेपाली टोली 15 गतेसँग तयारी शुरू करत। प्रशिक्षक पटवाल सिंगापुरमे बीतल महिना सम्पन्न T20 विश्वकप एसियाली छनौट खेलकुदके बाद भारत गेल छलथि। नेपाल विश्वकप छनौटसँ बाहर भेल छल। पटवाल नेपाल अयलाके बाद टोलीके प्रशिक्षण सेहो शुरू हेबाक बताओल गेल छ। नेपाल साग सँगै ओमानमे 5-10 तारिख धरि आयोजना होबय लागल T20 सिरिज खेलत। सिरिजमे ओमान सहित नेपाल, हङकङ, आयरल्यान्ड आ नेदरल्यान्ड्सके समेत सहभागिता रहत। सागसँ पहिने होबय लागल सिरिज नेपालके फाइदा पहुँचेबाक विश्वास कयल गेल छ। प्रारम्भिक टोलीमे किछु युवा खेलाड़ी सेहो स्थान पौलकै छ। नेपालक प्रारम्भिक टोलीमे पारस खटका, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषवाकर, बसन्त रेग्मी, युवराज राजू रिजाल, जितेन्द्र मुखिया, प्रदीप पेरी, सुनील धमला, सौरभ खनाल, ललित सिंह भंडारी, विक्रम शोभ, ईशान पांडे, करण केसी, आसिफ शेख, विनोद भंडारी, संदीप जोरा, कुशल मल, रीत गौतम, पवन सर्राफ, अमित श्रेष्ठ, किशोर महतो, आरिफ शेख, सुसन भारी, अमित शाह, अविनाश बोहरा, संदीप लामी छाने, ललित राजवंशी, नंदन यादव, रोहित पौडेल, भीम सार्की, कुशल भुरतेल, दीपेन्द्र एरी, सोमपाल कामी, सागर ढकाल आ साहब आलम रहल छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। फुटपाथ व्यापारी के पीटपाट के धरसाक पर्यटक प्रहरी पर आरोप, भिडियो सार्वजनिक भेला के बाद युवा नेता सुशील कर्ण पर से हाथ पात।
नागरिकता विधेयक से पहिने ही राष्ट्रीय परिचय पत्र विधेयक पास कैल गेल पर मधेश केन्द्रित दल के आक्रोश विभेदकारी नीति लेल गेल आरोप प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत मंत्री परिषद बैसार में सहभागी भेल पर विपक्षी के आरोप सरकार से बचाओ मीडिया काउंसिल विधेयक राष्ट्रीय सभा में पेश सब किस्म के मीडिया के अनुगमन करबाक अधिकार काउंसिल के देल गेल सरकार के दावी आ डेंगू के संक्रमण बढ़ल पर सरकार के चिंता जनचेतनामूलक अभियान में एकजुट होब आग्रह अपन न्यूज एखन के लिए लतव्या पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब नमस्कार।